अभी हंडी वेल्डिंग हो के आ चुका है, एकदम परफेक्ट वेल्डिंग किया है इसको। हमारे यहाँ के जो वर्कशॉप वाले मुन्ना शर्मा जी, उनके जैसा कोई काम नहीं करता है यहाँ पे वर्कशॉप का। तो ठीक है, अभी इसको असेंबल करते टाइम में बाकी का वीडियो अपलोड करेंगे, इसको सफाई करेंगे थोड़ा। तो दोस्तों, जब भी आप युवान का गियर फिट कर रहे, ये तीन छर्रों का ध्यान रखिए। ये देख सकते हैं, ये छोटा छर्रा है, ये दो बड़े छर्रे हैं, ये दोनों यहाँ पे अंदर बैठेंगे। इसमें एक यहाँ पे बैठेगा और ये सेंटर की नाल में आएगा, ये छोटे वाला, ये नाल में आएगा ये छोटे वाला। तो हमेशा फिट करते टाइम में ये छर्रों पे ध्यान रखिए। गियर को फिटिंग के टाइम में थोड़ा टाइम भी लगा तो चलता, बाद में कोल्ड फिटिंग कैसा रहता, बहुत टाइम पास होता है इसमें। तो आप थोड़ा इसको ज़्यादा टाइम दे गियर सेट करते टाइम में और अच्छे से फिटिंग करें। तो दोस्तों, इधर दबा देख सकते हैं, ये छर्रा भी ज़रूरी है डालना इसमें नाल में। कभी भी ध्यान रखिए छोटी चीज़ों का। बाद में नाल बैठने के बाद ये टी से इधर से टाइट हो जाएगा इधर नाला में। ये रहता है न्यूट्रल पोजीशन गियर का। ये शापने घूमेंगे इधर का लगाते रिवर्स को शाफ्ट को। ये शिफ्टर बैठेगा इसमें, ये उल्टा सिस्टम है इसका। एक बात रहेंगे, इसको डालना मत भूले। जो भी गियर की घसाई होती है लोहे का, ये मैग्नेट है, इसमें आके रस्टिंग पकड़ लेता है इसको। तो देख सकते हैं शिफ्टर का पोजीशन न्यूट्रल में। अभी अपना रिवर्स लगेगा यहाँ पे, तो रिवर्स लगा अटकाते हैं। इसका जो शिफ्टर आता है नीचे से आता है, बाकी जो नाला आते हैं मारुति में वो ऊपर से आते हैं इसके। ये थोड़ा अलग गियर है, अभी रिवर्स लगाएंगे अपन। ये देख सकते इसके अंदर में जाना चाहिए रिवर्स अपना। गियर ले लो,
देख सकते हैं रिवर जी पानी लग चुका है। हेलो रिवर्स टॉप कवर लगाना बाकी है, इसका भी ध्यान रखते। ये जो रिंग आ रहे थे बेयरिंग के, ये देखिए इसमें भी रिंग है, ये भी डाले आप। ओके है दे। तो दोस्तों ये रिवर्स का होल आता है इसका, ये देखिए इसमें बोल्ट आएगा रिवर्स का, वैसे नटा लग रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा मुल्ला अभी टॉप कवर लगा रहा है गियर का, तो इसको सेफ बोलते हैं। ये मौलाना के कपड़े पहनता था बचपन में ज़्यादा, तो करके इसका नाम मुल्ला रख दिया लोगों ने। क्या करते हैं आप, तो आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को, क्योंकि मैं आपको हर तरह के वीडियो ये चैनल पे अपलोड करूँगा खेती से जुड़े, क्योंकि मैं पहले किसान हूँ बाद में मैकेनिक हूँ। तो दोस्तों ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें, और जो भी आपके सवाल है कमेंट में ज़रूर भेजें। ये गाड़ी का भी पोलो वेंटो जो भी है रैपिड स्कोडा रैपिड आता है वोल्सवैगन का, जो स्कोडा के भी जितने भी गाड़ियाँ आते हैं उसमें सेम टाइमिंग रहता है ये गाड़ी का। तो इसका टाइमिंग भी जब इसका हेड खोलने का रहेगा इंजन आएगा तब आपको पूरे डिटेल के साथ मैं टाइमिंग बताऊंगा, केम का टाइमिंग कैसा रहता है, क्रैंक का टाइमिंग कैसा रहता है, पंप का टाइमिंग क्या रहता है, उसका सब डिटेल आपको भेजूँगा। ये गाड़ी का प्रॉब्लम क्या क्या रहता है उसका भी डिटेल आपको दे दूँगा डिटेल में। तो दोस्तों मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैंने आज तक इतने रिक्वेस्ट कोई भी वीडियो में नहीं किया आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और नोटिफिकेशन को ऑल कर ले। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी गियर पूरा अपना तैयार हो गया है, अभी टॉप कवर लगाना बाकी है इसको। इसको टॉप कवर क्यों बोलते हैं इसको टॉप कवर, क्योंकि जो पाँचवा गियर रहता है वो सबसे लास्ट में टॉप कवर में रहता है ऊपर में करके, इसको टॉप कवर बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप जो अपना टॉप गियर रहता है पांचवा, ये ऊपर रहता है गियर में, बाकी रिवर्स पहला दूसरा तीसरा चौथा सब गियर गियर के अंदर रहते हैं। अभी देख सकते हैं आप गियर भी एकदम अच्छे से गिर रही गाड़ी के, ये देखिए नाल, इसका जो पांचवा गियर है वो ऐसे जब अपन लीवर उठाएंगे तब इसका पांचवा गियर गिरेगा। इसको बता सकते पिस्टन मेरे मुल्ला, ये देखिए कहाँ है पेचकस, ये देखिए घुमा थोड़ा गियर को,
न्यूट्रल हो गई पहले, न्यूट्रल हो गई, न्यूट्रल है आप, न्यूट्रल देख आप, न्यूट्रल न्यूट्रल है। अभी देखिए ये रिवर्स, अभी देखिए ये, देखिए पांचवा। तो जब ये लीवर इसमें बैठेगा, लीवर उठेगा तभी पांचवा रिवर्स गिरेगा। वैसे गाड़ी का गियर नीचे, आपको पांचवा रिवर्स ये लीवर के यहाँ से जल्दी गिरेगा नहीं, बहुत तकलीफ होगी। तो अपना गियर हो गया है कंप्लीट अभी। तो आपको अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों।